हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। गाइस देख सकते हो, फाइनली SBI की तरफ से उस दिन पहले आप लोग को पाटा गया दोस्तों, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिस पोस्ट का आया है। तो फाइनली एडमिट कार्ड कॉल लेटर यहाँ पर देख सकते हो, मेरा कॉल लेटर यहाँ पर शो हो चुका है, डाउनलोड मैंने कर चुका है। तो गाइस मेरा एग्जाम डेट कैसे आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है प्रोसेस सारी जानकारी मैं आप लोग को प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। गाइस इसलिए आप लोग को वीडियो बने रहना। गाइस यहाँ पर देख सकते हो, पहले मेरा एडमिट कार्ड का डिटेल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने ब्लर करके रखा है। यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम डेट यहाँ पर 4 दिसंबर 2023 में और मंडे होता है। गाइस मेरा रिपोर्टिंग टाइम है 7 AM है और मेरा एग्जाम सेंटर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को लाइफ प्रूफ करके साथ मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ पर देख सकते हो। गाइस उसके बाद ये फोटो आपको, ये जिस फोटो आप रिसेंट किया है यहाँ पर आप लोग को पेस्ट करना है, आप लोग को पेस्ट कर लेना गाइस। तो डाउनलोड करने के बाद तो बात आती है कैसे आप लोग को डाउनलोड करना और इसमें एग्जाम टाइम आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, आज किसी वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला होगा। इस वीडियो बने रहना कि जिस कैंडिडेट ने SBI अप्रेंटिस के तरफ से जो वैकेंसी आया है तो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो फाइनली आप लोग का कॉल लेटर आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना और लाइक करना ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलो गाइस वीडियो बिना तामस करके चलो आगे बढ़ते, कैसे डाउनलोड करता है एडमिट कार्ड, तो चलो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस जैसे लिंक बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हो, आज 20 है, 20 और आज से ऑनलाइन एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और यहाँ पर 7 दिसंबर 2023 तक ये अप्लाई आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका पासवर्ड गुम हो गया तो फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करके फॉरगॉट पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गाइस सिंपली यहाँ पर आप लोग को लॉग इन डिटेल पर हिंदी और इंग्लिश पहले आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो चलो गाइस मैंने इंग्लिश मैंने सिलेक्ट कर लिया। गाइस उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना, अगर आपके पास रोल नंबर था रोल नंबर भी डाल सकते। रोल नंबर तो आपके पास नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ही आपका रोल नंबर देने को मिलेगा। तो इसलिए आपको आपके पास तो जरूर जब आपने अप्लाई किया है आपका अप्लाई ऑप्शन पर एप्लीकेशन फॉर्म पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको डाल देना, अगर पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग को देख सकते हो यहाँ पर डेट मान यार में आप लोग को सिर्फ आप लोग को लास्ट में मैं आप लोग को एग्जाम्पल करके दिखाऊं, ताओ 1997 अगर हो गया तो सपोज आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली आप लोग को ये दोनों आप लोग को एंटर करना होगा, इस 1997 ओनली एंटर करना होगा। इस तरफ से आप लोग को यहाँ पर साफ साफ दिया गया है ओनली यार में आप लोग को दो डिजिट का लास्ट का दो डिजिट का आप लोग को एंटर करना होगा। उसके बाद डेट मान यार लास्ट यार में आप लोग को सिर्फ आप लोग को लास्ट ईयर का नहीं, सिर्फ आप लोग को 97 ही आप लोग को लास्ट का दो डिजिट आपको एंटर कर लेना। उसके बाद ये कैप्चा आपको सिंपली से इस पर डाल देना गैस, उसके बाद आप लोग को सिंपली से लॉग इन बटन पर क्लिक कर लेना गैस। तो चलो गैस आपको भी आपको हिसाब से लॉग इन कर लेना, तो चलो गैस मैं फटाक से लॉग इन कर लेता हूँ गैस। सो गाइस लॉगिन करते ही गैस इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस सारे आप लोग को देने को मिलेगा। सो गैस मैंने ऑलरेडी मेरा एग्जाम डिटेल मेरा एग्जाम डेट सारी मैंने बताया गया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गैस, यहाँ पर देख सकते हो, फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोग को मेरा एग्जाम सिटी एग्जाम डेट एग्जाम सेंटर यहाँ पर देख सकते हो गैस। तो गैस यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप लोग को सामने क्या लेके जाना होगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना होगा। यहाँ पर आप लोग को जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपने फॉर्म भरा तब आपको जो भी आईडी प्रूफ दिया है आईडी प्रूफ यहाँ पर आप लोग को लेके जाना होगा। आईडी प्रूफ के साथ आईडी नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा गाइस। तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप लोग को एक आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या क्या लेके जाना, आप लोग को यहाँ पर सोशल मेंटेनेंस आप लोग को करना होगा। यहाँ पर आप लोग को सारे आप लोग को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को पढ़ सकते हो गाइस। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को लेने की जरूरत, सिर्फ आप लोग को एक कॉलम एक ब्लैक बॉल पेन लेके जा सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग को एक आईडी प्रूफ एनी आईडी प्रूफ आप लोग को लेके जाना होगा गाइस। सो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने गए यहाँ पर देख सकते हो, प्रिंट बटन पर सिंपली से क्लिक करके भी आप लोग को प्रिंट आउट ले सकते हैं। अदरवाइज सिंपली से थ्री लाइन डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग शेयर बटन पर क्लिक करके और प्रिंट बटन पर सिंपली से क्लिक करके आप लोग को इस तरफ से भी आप लोग को प्रिंट आउट ले सकते हो। तो चलो गाइस मैं लाइफ प्रूफ करके साथ मैं आप लोग प्रिंट आउट करके ले लेता हूँ गाइस। सो गाइस आई होप आप लोग समझ में आ गए गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आपका एग्जाम सेंटर एग्जाम सिटी कहाँ पे है और कब है आपका एग्जाम, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि हम लोग को भी पता चल सके। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।